शालिनी मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च का भरवा अचार। इस लाल मिर्च के अचार को बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पर इसको आप 1 से 1.5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप दाल के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 250 ग्राम लाल मिर्च। इनको धोकर अच्छे से पोंछ के रख लिया है। 250 ml तेल। अचार बनाने के लिए हमेशा मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। 4 बड़े चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने घर पे पीसा है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 बड़े चम्मच अचार मसाला, यह मसाला मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा, यहाँ पर मैंने भुना जीरा यूज़ किया है। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। तो चलिए अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पहले ऑयल को हीट करना है, तो हम ऑयल को एक पैन में डालकर हीट कर लेते हैं। एक पैन को गरम करेंगे। पैन गरम हो गया है, पैन में हम तेल डालेंगे। तेल को हमें उबालना नहीं है, तेल को हमें हीट करना है, जितना कि हम पूड़ी बनाने के लिए हीट करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, ये देखिए तेल में से धुआं निकल रहा है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और तेल को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हम मिर्च को कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मिर्च के एंड्स को नहीं काट रही हूँ, आप चाहें तो एंड्स को काट सकते हैं। एक नाइफ की सहायता से ऊपर से लेकर नीचे तक कट लगाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर मिर्च के सीड्स को नहीं निकाल रही हूँ, आप चाहें तो सीड्स को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी मिर्च को कट कर लेंगे। ये देखिए मिर्च हमारी कट हो गई है। तो चलिए हम अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल भी हमारा ठंडा हो गया है। एक बाउल में अचार मसाला डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच तेल का यूज़ किया है। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच तेल और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अचार के मसाले का हमें लूज पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल और डाला है। मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए अचार का मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम मिर्च को स्टफ कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने मिर्च को काटा था वहीं से हम खोल के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मिर्च को स्टफ कर रही हूँ। इसी तरीके से हम सारी मिर्च को मसाले के साथ स्टफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिर्च को स्टफ कर लिया है। ये मसाला हमारा बच गया है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसी मसाले को अचार में डालूंगी। मिर्च को एक कंटेनर में अच्छे से रख लेंगे। जो मसाला लिया था उसको भी मिर्च के ऊपर ही डाल देंगे। अच्छे से दबा देंगे। अब हमें मिर्च में तेल डालना है, तो मैंने यहाँ पर जो तेल हीट करके रखा था उस तेल को मैं मिर्च में डालूंगी। तेल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि मिर्च अच्छे से डूबी रहे। ये देखिए मिर्च का अचार हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े से बांध के 5 से 6 दिन तक इसको धूप दिखाएंगे। ये देखिए जार को मैंने किस तरीके से बंद किया है। ये देखिए लाल मिर्च का भरवा अचार हमारा तैयार है। इसको मैंने कॉटन के कपड़े से बांध दिया है। अब इसको मैं 5 से 6 दिन की धूप दिखाऊंगी। 6 दिन हो गए हैं, तो चलिए अब हम कंटेनर को खोल के देखते हैं। ये देखिए
मिर्च का अचार हमारा तैयार है, तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए मिर्च अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं। इस मिर्च के अचार को आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि तेल की मात्रा उतनी होनी चाहिए जिसमें मिर्च अच्छे से डूबी रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने तेल को इतना लिया है जिससे मेरी मिर्च अच्छी सी डूबी हुई है। अगर आप तेल की मात्रा कम रखेंगे तो मिर्च ऊपर से खराब हो जाएगी, मिर्च में फंगस लग जाएगा, तो आप तेल का यूज ज़्यादा करें। अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।